शॉर्ट गर्ल्स, आई हैव अ प्लान टुडे। मैं चाहती हूँ कि नास्त्या रोमियो के साथ हुकअप करे। नास्त्या गर्ल्स, मैं रोमियो को डेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नास्त्या, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम स्पेशल हो? वेल नहीं, पर मैं रोमियो के साथ अपना रिलेशनशिप इमेजिन नहीं कर सकती। नास्त्या, वो नॉर्मल होगा हर किसी की तरह। डैम नास्त्या, नखरे न दिखाओ। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम सारी रात रोमियो को टेक्स्ट करती रहती हो। I'll leave my kiss on the mirror. Wait, Diana, तुम्हें कैसे पता? अच्छा, मैं समझ गई। कल तुम मेरा फोन चेक कर रही थी जब मैं सो रही थी, है ना? Well, yes. नास्त्या, जैसे कि तुम हमारे फोन नहीं देखती हो। हाँ, हमने इसे वीडियो सर्विलेंस पे देखा। इन शॉर्ट नास्त्या, आज तुम पक्का रोमियो को डेट करोगी और इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। Oh my God, girls, मैं रोने वाली हूँ। क्या क्या आज मेरे पास एक बॉयफ्रेंड होगा? नास्त्या, well, what are you waiting for? That's cool. Well, imagine, जल्दी वीकेंड आएगा और बास्केटबॉल प्लेयर्स हमारे घर आएंगे और तुम हमेशा की तरह अकेले बैठकर जूस पीती रहोगी। हाँ, पर उस केस में रोमियो आएगा और हम सब मिलके हैंग आउट करेंगे। हाँ, ये कूल है, बास्केटबॉलर, चीयरलीडर्स और एक मैस्कॉट, सब एक साथ। ओके गर्ल्स, आई एग्री। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आज मेरे पास एक बॉयफ्रेंड होगा और मेरी बैचलर लाइफ खत्म हो जाएगी। नास्त्या, यू गॉट इट राइट, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। दैट्स कूल। ओके गर्ल्स, लेट्स गो। क्लास की घंटी बज चुकी है और हम अभी तक यहाँ लिपस्टिक लगा रहे हैं। ओह माय गॉड गर्ल्स, वहाँ डायना, वहाँ क्या है? डायना, क्या वहाँ रोमियो है? क्या वहाँ तुमने कोई भूत देख लिया? नहीं गर्ल्स, पुलिसमैन जॉर्ज है, अब हम बाहर कैसे जाएं? हाँ, वो इस बात का ध्यान रखता है कि स्कूल बेल के बाद सब कोई क्लास में हो, कोई बाहर ना घूमे। हम सब परेशानी में हैं, पुलिसमैन के बिना ही सब अच्छा था। हाँ माया, लेकिन हमें किसी तरह बाहर निकलना होगा, वरना मिस्टर माइक हमें एब्सेंट मार्क कर देंगे। चलो बाहर जाते हैं और कहते हैं, हेलो जॉर्ज, तुम आज अच्छे लग रहे हो, शायद इससे मदद होगी, वो हमें नोटिस नहीं करेगा। हाँ, वो नोटिस नहीं करेगा, वो दरवाजे के पास ही खड़ा है। वेल गर्ल्स, तुम लोग वहाँ ओवरथिंक करो और मैं यहाँ बैठती हूँ, रोती हूँ खुशी में कि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। वेल ओके, मैं क्लास स्किप कर दूंगी। नहीं नास्ते, क्लास छोड़ना अच्छा ऑप्शन नहीं है। गर्ल्स, हमें कोई चाहिए जो हमें यहाँ से निकाल पाए। कौन? हर कोई तो क्लास में है। वेल, मे बी कोच एबी, वो वैसे भी ट्रेनिंग हॉल में है। कोच एबी, SOS, हमें अर्जेंटली आपकी मदद चाहिए। एक शर्ट में, ये कुछ नया है, फ्रेश। आर यू सीरियस? पर ये तो टी शर्ट में ज्यादा अच्छा था। तुम एक शर्ट में भी अच्छे लग रहे हो। मनी ने मुझे क्या भेजा? कोच एबी, SOS, हमें अर्जेंटली आपकी मदद चाहिए। सोस, मैस्कट को हेल्प की जरूरत है, मैं इस जर्सी में ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। मैस्कट, डोंट शो ऑफ। गर्ल्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए। कोच एबी, यू नो, हम बाथरूम में फंस गए हैं और हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पुलिसमैन जॉर्ज बाहर खड़ा है दरवाजे पर। हाँ, वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है और अब हमें डांट पड़ेगी कि हम क्लास में नहीं है। हेल्प अस। अब हमें दोनों से डांट पड़ेगी, कोच एबी और जॉर्ज। कम ऑन गर्ल्स, वेल हम पहले ही एक लेसन टॉयलेट में बिता चुके होंगे। नहीं नास्त्या। गर्ल्स काम डाउन, सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, कोच एबी हमें यहाँ से बाहर निकाल लेगी। कुछ अभी तो आप हमारी मदद करेंगी ना? मुझे नहीं समझ में आ रहा, किसी तरह पुलिसमैन जॉर्ज को डिस्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ से बाहर निकालिए। तुम्हें घंटे भर टॉयलेट में बैठकर मेकअप नहीं करना चाहिए। कुछ अभी, अब मैं शर्ट का क्या करूँ? तुम आज एक शर्ट में ट्रेनिंग करोगे। ओके ठीक है, शर्ट में तो शर्ट में, पर इसके आर्मपिट्स बड़े ढीले हैं। हेलो कोच अभी। हेलो जॉर्ज, कम आउट। कोच अभी, हेलो। हेलो जॉर्ज, ये मेरी स्टूडेंट्स है और टॉयलेट में अटक गई थी, तुमने कुछ भी नहीं देखा। हेलो 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 जॉर्ज, तुमने कुछ नहीं देखा, मैं उनसे खुद ही निपट लूंगी कि वो क्लास में क्यों लेट गई हैं। पर ये मेरा काम है। ओके विल्कनोपा, बाय। एबी ने रियली हमें बचा लिया। हाँ, तुम लोग कूल हो, तुम तीन हो और मैं एक हूँ। क्या हम क्लास में जा रहे हैं गर्ल्स? हाँ, लेट्स गो। ऑलराइट कनोपा, गुड लक, वी विल मीट यू एट द ब्रेक। बाय। अब हर किसी को पता चल जाएगा कि मैं लेट हूँ। हेलो बनी, मिस्टर माइक जॉर्ज इन्हें लेट आने क्यों देता है? लड़की, और तुम लोग फिर से लेट आई, हमारी बात हुई थी ना कि आइंदा से तुम लेट नहीं आओगी। और टीचर माइक, हमारे टॉयलेट का लॉक जैम हो गया था। हाँ, मैं वॉशरूम में बैठी थी और वेट कर रही थी कि ये लोग कब लॉक ठीक करेंगे। हमने उसे ठीक किया और फिर आ गए। क्या हम बैठ सकते हैं? ठीक है, बैठ जाओ, उस लॉक को ठीक कराते हैं ताकि आगे से जैम ना हो। टीचर माइक,
मुझे पता है इन लोगों ने कैसे लॉक जैम किया, ये पुरानी स्टोरी है। ये लोग वॉशरूम में लिपस्टिक लगा रहे थे और इन्होंने मिरर पे किस किया। ब्रिलियंट लैला, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? माया कैमरा कैमरा। दीमा ये क्या कर रहे हो? अगले क्लास में क्या तुम जलीना की जगह जा सकते हो? और क्या जलीना यहाँ आकर बैठ सकती है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बस कैसे भी उसे शांति रखना चाहता हूँ। कोस्टा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं, लेकिन मुझे बस सब ठीक करना है। कोस्टा आई एम सॉरी, भली मैं तुम्हारा दोस्त हूं पर मैं अपनी जगह नहीं बदल सकता। मुझे यहाँ बैक डेस्क में बड़ा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है दीमा, मैं जलीना के पास बैठने के लिए फिर मैं थॉमस की जगह बैठ जाऊंगा। कोस्टा उस थॉमस के साथ स्विच मत करो, वो तुम्हारा सारा कॉपी कर लेगा। कोस्टा रिलेशनशिप के लिए दोस्ती नहीं बदलनी चाहिए। अच्छा गाइस, लेसन शुरू करने से पहले न्यू ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आप सब इंटरेस्टेड हैं? हाँ। तो डिसाइड कर लेते हैं न्यू ईयर कहाँ सेलिब्रेट करना है। एनी सजेशंस फ्रॉम यू गाइस? आई हैव एन आईडिया। सिंस हमारे स्कूल में अलग अलग टीम्स हैं तो मेरे ख्याल से हमें सेपरेटली न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि हम बने चीयर लीडर्स के लिए इन फुटबॉल प्लेयर्स के साथ सेलिब्रेट करना मजे की बात नहीं है। हाँ, आई अग्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रुप में है मैस्कॉट, बास्केटबॉल प्लेयर्स और चीयर लीडर्स बनी। बस तुम लोग कितने बढ़िया आइडिया के साथ आई हो बनी, और तुम्हारी देखरेख कौन करेगा? मिस्टर माइक, मेरे पास एक आइडिया है। ग्रेट लाइला, तो बताओ क्या सजेशन है तुम्हारा? आई एम श्योर तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा होगा। मिस्टर माइक, मैं सजेस्ट करती हूँ कि स्कूल को एक न्यू ईयर प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए और हम सबको स्कीइंग के लिए जाना चाहिए। ऐसा क्यों रिएक्ट किया? तुम बस किसी के घर में जाके हैंग आउट करना चाहते? कोई बात नहीं लाइला, किसी और के पास कोई और आइडिया है? हमारे पास। मेरा आइडिया बेस्ट है टीचर माइक। एक्सेलेंट, तो फिर हम लाइला के आइडिया को सिलेक्ट करते हैं। कूल। हमारा लेसन टॉपिक क्या है मिस्टर माइक? तो आज के लेसन में हम पॉलीमर्स पे डिस्कस करेंगे। अच्छा रोमियो, तुम नास्तिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कब पूछोगे? खैर, हम एक बार टेक्स्ट कर रहे थे और वो दिखावा कर रही थी। कम ऑन यार, फिर हम न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, वरना तुम हमारे साथ नहीं हो। हाँ रोमियो, जो सिंगल होगा वो अलग पड़ जाएगा। तुम क्या न्यू ईयर के दिन किचन में खिड़की से झांकते हुए जूस पीना चाहते हो? आज ही जाओ नास्तिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करो। ठीक है दोस्तों, मैं इसे कैसे भी देखता हूँ। तुम्हें पता है ऐसे रिश्ते डरावने होते हैं। हेलो बास्केटबॉल प्लेयर्स। जूली, करीना अपने कान बंद करो, यहाँ बॉयज टॉक हो रहा है। रोमियो, तुम इतने बड़े हो गए हो और प्रपोज करने में इतना डरते हो? जी की मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम उससे भागने वाली हो या ना? तुम्हें क्या चाहिए? जी की खुशी मनाओ कि तुम इतनी छोटी हो और अब मैं तुम्हें एक क्लोजेट में बंद कर दूंगी, तो कर दो। जी की लिसन टू मी, इस क्लास के बाद तुम मेरे पास आओगी और साइन करोगी कि तुमने दो क्लासेस मिस किए थे। या ना मैंने मिस नहीं किया, मैं कोएड में थी। क्या कोई प्रूफ है? तुम्हें प्रूफ चाहिए? ओके जूली, करीना इसे बताओ कि मैं कोएड में थी। सॉरी जिगी। लेकिन तुम कोएड में नहीं थी। थैंक यू गर्ल्स, मैं भी तुम्हारे साथ यही करूंगी। जिगी मुझे पता था। और तुम कहाँ थी? ओके मैं ब्रोस के साथ कुछ बातें कर रही थी, हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ब्रोस आएगा और दो सिग्नेचर्स करेगा क्लास मिस करने के लिए। नहीं, गिगी खुद साइन करेगी, इसमें मेरी गलती नहीं है। उसने मुझे जाने नहीं दिया, वो खुद इतनी छोटी है और मुझे भी जाने नहीं दिया। इसलिए मैं डरा हुआ हूँ, ये सब बिल्कुल एक दिखावा है। नहीं, मुझे अभी नास्तिया को डेट नहीं करना है। कोई नहीं रोमियो, फिर तुम हमारे साथ न्यू ईयर में नहीं हो। तिमूर, तुम क्या हंस रहे हो? तुम भी सिंगल हो तो तुम भी हमारे साथ न्यू ईयर में नहीं आ रहे हो। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन मैं डायना के पीछे हूँ। ओए छोटे, बहुत हो गया इस बारे में बात करके। तुम सिर्फ देखना, नए साल तक डायना मेरे साथ होगी। और रोमियो, तुम रिलेशनशिप के बारे में सोचो। ए, मुझे धक्का मत दो। ओए, हमारी अभी बात खत्म नहीं हुई है। डायना, क्या तुम कैफे नहीं आओगी? मैं तुम्हारे लिए एक लेटे खरीदूंगा। देख छोटे, अगर तुम मेरा छोटा भाई नहीं होता तो मैं अभी तेरा सर इस दीवार से मार के तेरा सर फोड़ देता। चलो और साइन करो जल्दी। यू नो व्हाट गर्ल्स, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी। सॉरी जेगी, पर हम तुम्हारी वजह से पकड़े नहीं जाना चाहते। पिज्जा टॉपिंग दो। गर्ल्स, तो अब हम अपना लेमिनेट पीना खत्म करें और बास्केटबॉल प्लेयर्स के पास जाएं। नास्तिया, आर यू रेडी? मैस्कॉट, कान के पास मत चिबाओ। ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है। डैम गर्ल्स, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। छू के देखो। ये नॉर्मल धड़क रहा है। मेरा दिल रोज जोरों से धड़कता है। कितना कूल होता है जब हम रिलेशनशिप में होते हैं। मैस्कॉट, और क्रंच करो, मुझे क्रंच की साउंड बहुत पसंद है। इट्स सो सिकिंगली क्यूट। वाओ, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गर्ल्स, तुम क्या ऑर्डर करोगे? तो कम। आओ इसे एक साथ लेते हैं। 10 तुम दो, 10 मैं देता हूँ। ओके। Did you guys make up? हाँ। इतना अच्छा है कि हम फिर साथ हो गए, हालांकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं। Well, थोड़ा हॉट चॉकलेट पियो। मुझे नहीं चाहिए। Well, लाटे पियो। मुझे नहीं चाहिए। वीगन पिज्जा? नहीं। इन
खुद से और सेलिना के बारे में चिंता करना बंद करो। इनोदीमा तुम्हारे दोस्त के लिए रिश्ता पहले है और तुम्हारे लिए कॉस्टा के साथ तुम्हारा दोस्त है पहले, ये तो गलत है। थैंक यू दोस्त, ये जलीना एक धोखेबाज है। बदकिस्मती में वो और मैं दोस्त थे, कोच से आ गया और अब दोस्ती खत्म। पर अमया है तो गर्ल्स, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमारे पुलिस ऑफिसर जॉर्ज के लिए लव लेटर लिखने के लिए मदद करो। ब्लॉन्डी, उसे तुम याद भी नहीं हो और तुम उसे लव लेटर लिख रही हो। मैं ये पहले करना चाहती हूँ, इससे पहले कि कोई और उन्हें पसंद करने लगे। हो सकता उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। नहीं, मैं ऑलरेडी सब चेक कर चुकी हूँ। सोशल मीडिया में उनके स्टेटस पे लिखा है बैचलर। तो क्या हुआ, मैंने भी तो लिखा है कि मैं सिंगल हूँ। व्हाट? ओके ठीक है, तो मैं आज ही स्टेटस चेंज कर दूंगा इन्हें रिलेशनशिप। सब तुम्हारा स्टेटस क्या है? मैं सोशल मीडिया पर हूँ ही नहीं। यू माय लिटिल फ्रॉग, देखो ज़ूप अभी भी सोशल मीडिया पे नहीं है। मैंने फैसला बदल लिया, मैं तुम्हारी सोशल मीडिया के सारे अकाउंट डिलीट कर दूंगी। स्टेला, हेलो टीनेजर्स। वेल बनी, मैं माइक से बात कर रही थी, मैंने जॉर्ज से बात की। ये पहली बार नहीं है कि तुम क्लास के लिए लेट हुई क्योंकि तुम लिपस्टिक लगा रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कोच सैवी, तो आपने हमें नहीं बचाया। नो गर्ल्स, डू इट योरसेल्फ, ये पहली बार नहीं है। ओके कोच सैवी, हमने सुन लिया। आज के बाद हम स्कूल में लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, हम नेचुरल रहेंगे। क्या आप खुश है कोच सैवी? नास्तिया, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। तुम चीयरलीडर्स बनी हो, तुम पूरी तरह बेशर्म हो गई हो। पिज्जा आइस, मुझे एक बड़ा सा वीगन पिज्जा बना के दो, आई एम स्ट्रेस्ड। ओके कोच अभी, चलो पिज्जा जल्दी करो, कोच अभी गुस्से में है। कैफे में इतनी भीड़ क्यों है? तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है क्या? जलीना, मेरे पास पहले से ही 19 हैं। कोच सर, मेरे पास 21 है। कोच अभी कितने गुस्से में है, उन्हें तो माइक सर के साथ हनीमून पर होना चाहिए था। उनका झगड़ा हो गया। रियली? वाओ, हमें नहीं पता था। गर्ल्स के तुम लोग ने नोटिस नहीं किया, टीचर माइक ने अपना रिंग भी निकाल दिया। लड़कियों, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता स्कूल में चल क्या रहा है। बेचारी कोच अभी, अब क्लियर हो गया कि वो इतने गुस्से में क्यों है। माइक, ऑफ कोर्स आई आल्सो लव एनिमल्स, लेकिन एक अपार्टमेंट में 3 डॉग्स कुछ ज्यादा ही हैं। मुझे उनके रूह से एलर्जी है। डियर जॉर्ज, तुम्हें ब्लॉन्डी लिख रही है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? ब्लॉन्डी, तुम ये क्या लिख रही हो, थोड़ा मॉडर्न लिखो। हेलो जॉर्ज, आई ब्लॉन्डी, मैं तुम्हें डेट पे बुलाना चाहती हूँ। क्या ये बहुत सिंपल है, एक बार मैं से डेट के लिए पूछना? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये नोट्स नहीं लिखती ब्लॉन्डी, मैं सीधे जाकर पूछती यार तुम आज क्या कर रही हो। जॉर्ज, सिनेमा जाओगे क्या? अरे ब्लॉन्डी को खुद से डिसाइड करने दो ना, तुम बार बार बीच में क्यों टोक रही हो। हाँ, आज मैं उसके पास जाऊंगी और ये करूंगी, मैं उससे पूछूंगी, डियर जॉर्ज तुम आज क्या कर रहे हो, क्या तुम मूवी देखने चलोगे? वाओ ब्लॉन्डी, आई इमेजिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड जॉर्ज है। मैं भी इमेजिन कर सकती हूँ, वाओ, सब कैसे शॉक हो जाएंगे। वेल नास्तिया, आर यू रेडी? हाँ गर्ल्स, मैं रेडी हूँ। वेल देन, मैं एक वॉइस मैसेज भेजती हूँ बास्केटबॉल प्लेयर्स को, उन्हें रोमियो को यहाँ लेकर आने दो। डैम्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं एक रिलेशनशिप में आने वाली हूँ। हाँ नास्तिया, बास्केटबॉलर्स गर्ल्स और मैं तुम्हारा यहाँ ड्रेसिंग रूम में वेट कर रही हूँ, रोमियो को लेकर आना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई नया कपल बनता है। वेल, मैं वरीड हूँ, डोंट वरी नास्तिया, सब कुछ ठीक होगा। सोचो अगर रोमियो ने ना कर दी तो, कि मुझे नास्तिया से डेट नहीं करनी। मैस्कॉट, वो नास्तिया की याद में रो रहा है। उन्हें मैसेज मिल गया, वेट फॉर द बास्केटबॉलर्स। डैम्न गर्ल्स, मुझे मेकअप का सामान दो, मैं मेकअप करूंगी, जल्दी करो। ये रहे ब्रशेस, गेट इट आउट, गेट इट आउट। बस और 20 मिनट, उसके बाद मैं लंच के लिए जाऊंगा, मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं। हेलो जॉर्ज, आप स्कूल को गाइड कर रहे हैं राइट? हाँ कर रहा हूँ रखवाली, तुम लोगों को कुछ चाहिए? ये लो, हमने सोचा कि आपको भूख लगी होगी, इसलिए हम कैफेटेरिया से आपके लिए बास्केट्स और लाटे लेके आए। थैंक यू लड़कियों, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ब्लॉन्डी, मैं फ्रॉक्स टीम की कैप्टन हूँ। थैंक यू ब्लॉन्डी, मुझे बहुत भूख लगी थी। You're welcome. Enjoy your meal. Well, बोल दो। Well, पहले उसे चबाने दो। इंतजार क्यों कर रही है जब तक वो खा रहा है, बोलो। Come on, as long as he's kind. लड़कियों, कुछ और भी कहना है? Blondie, come on. तो तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए? जॉर्ज, आप आज रात को क्या कर रहे हैं? मैं आपको मूवी के लिए इनवाइट करना चाहती थी, मूवी पुलिस वाली। कॉप के साथ मूवी देखने जाना कूल है, पर हम शायद कोई कॉमेडी देखेंगे। क्यों? हाँ, एक कॉमेडी। जॉर्ज हमारे स्कूल में आए एंड द स्कूल बर्न्ड डाउन। तो फिर स्कूल के बाद हम जा रहे सिनेमा? हाँ, स्कूल के बाद। कंग्रेचुलेशंस ब्लॉन्डी, मैं आज डेट पे जा रही हूँ। फ्रॉक्स की आज डेट है, फ्रॉक्स की आज डेट है, कंग्रेचुलेशंस। आह,
I love baskets. Girls, मुझे पकड़ो, मैं बेहोश होने वाली हूँ. Blondie, it's all love. ठीक है रोमियो, अब चलो. नहीं, मुझे मन नहीं. अरे डरो मत रोमियो, लड़कियों ने खुद ही वॉइस मैसेज भेजा है, कोई तो कारण होगा. अरे एक बार कपल तो बन जाओ, फिर सब कुछ अच्छा लगने लगेगा. और अगर तुम नहीं गए तो मैं ये सोच लूंगा कि तुम कायर हो. अच्छा ठीक है दोस्तों, चलो अंदर आओ. लड़कियों हम यहाँ हैं. वेल रोमियो, आर यू रेडी? कम ऑन, पहला कदम लो. क्योंकि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से नजरें चुराते रहते हो. कम ऑन. अब ये रोमियो को क्या हो गया है? हाँ वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, पर यहाँ की इसकी हवा निकल गई. मैं जानता था कि वो कमजोर है. हेलो रोमियो, कल रात जो तुमने मुझे मैसेज भेजा था, मैंने वो पढ़ा, वो बहुत क्यूट था. मुझे खुशी है, लेकिन तुमने मुझे आंसर नहीं दिया. रोमियो, नास्तिया तुम्हें तब जवाब देगी जब तुम उसे डेट के लिए पूछोगे. तो कम ऑन रोमियो, जाओ नास्तिया के पास जाओ और उससे कहो, नास्तिया मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ. ये बहुत सिंपल है और फिर ये ब्यूटीफुल हो जाएगा. चलो रोमियो, चलो चलो. तो मुझे फोकस करने दो, ये इतना सिंपल नहीं है. रोमियो बहुत घबराया हुआ है, सिर्फ शर्मा रहा है. रोमियो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, तुम चुप क्यों हो? रोमियो ने अपना मुंह पानी से भर लिया. रोमियो इसे थूक दो. दोस्तों तुम लोग शांत हो जाओ. नास्तिया क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने अभी तक उसे आंसर नहीं दिया. लो अभी ड्रामा शुरू, अभी दो घंटे खड़े रहो और इसे झेलते रहो. चुप रहो ज़कात. खैर नास्तिया, नास्तिया कम ऑन, शो ऑफ बंद करो. हाँ कम ऑन, डेट करना शुरू करो और चलते हैं मेरे घर पे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे इस वीक के सेकंड कपल को. बेबी एक रिक्वेस्ट है, इस तिमूर से दूर रहना, इसका दिमाग खराब हो गया है. स्माइल तुम क्या बकवास कर रहे हो? नहीं सीरियसली, वो चाहता है न्यू ईयर से पहले तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा. वह कुछ नहीं, वो मुझे चेस करके रुक जाएगा. नास्तिया कम ऑन, वी आर वेटिंग. ओके रोमियो, अगर तुम मुझे डेट करना चाहते हो तो मेरे तीन रूल्स हैं. और सबसे पहला रूल है कि कभी भी मेरा हैंडबैग मत पकड़ना, ये बहुत डिस्गस्टिंग लगता है. ओ यस, ठीक है मैं सहमत हूँ, किसी लड़की का हैंडबैग ले जाना टेरिबल है. दूसरा नियम, दूसरा रूल, कभी भी मेरे गले पे लव बाइट मत करना, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे. ये आसान है नास्तिया, मैं संभाल लूंगा. मैं तीसरे नियम के लिए तैयार हूँ. मैं स्कॉट, नास्तिया का दूसरा रूल तुम्हारे लिए भी है. माया तुम्हारे गले पे कोई निशान नहीं होगा. तीसरा रूल, मुझे फ्रेश फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो तुम्हें हर हफ्ते मुझे फ्रेश फ्लावर्स देने होंगे. अगर तुम ये तीनों रूल मंजूर है तो मैं गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ. अरे तुम ये लड़कियाँ ये हमेशा रूल्स लेकर क्यों आ जाती हो? बिना रूल्स से किसी लड़के से डेट नहीं कर सकती हो क्या? स्माइल, क्योंकि हम लड़कियाँ हैं और हमारे कुछ रूल्स हैं. रोमियो, रोमियो सहमत है. तो फिर मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करती हूँ, तुम्हारे पास एक वंडरफुल गर्लफ्रेंड है. कंग्रेचुलेशन. मुझे लगा था तुम डर के भाग जाओगे. यू डिड इट मैन. वेल मैं हम सबको कंग्रेचुलेट करती हूँ गर्ल्स, बिकॉज हम सबके पास बॉयफ्रेंड्स है. दैट्स कूल. डायना तुम तिमूर के बारे में भूल गई. उसे बुरा लगा, मैंने कहा था ना उसका दिमाग खराब है, देखा ना कैसा दरवाजा छोक के गया. ओके गाइस, वी हैव अ ग्रेट इवेंट. इस वीक हमारे पास दो नए कपल्स हैं. आई सजेस्ट कि मेरे घर पे चलकर सेलिब्रेट करें. कौन कौन चल रहा है? हाँ हम. ग्रेट, तो फिर मेरे घर चलते हैं. गाइस वेल, एक ही हफ्ते में हमारे पास दो नए कपल्स हैं, कितना कूल है ना? आप कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए बेल बटन और वेट कीजिए हमारे नए कूल सीरीज का. मिलते हैं जल्दी. बाय.